नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी से टीजीटी पीआरटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें एज सैलरी वैकेंसी कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 12 मई को इसका विज्ञापन जारी हुआ है, 25 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं और आप लोग 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है सारी चीज़ें, तो अगर आप देखना चाहें तो आपको हमारे चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं टीजीटी में कितने विषय की वैकेंसी आई हुई है। तो टीजीटी में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें से हिंदी है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है और बंगाली है। 5-6 पदों पर, 5-6 विषयों पर टीजीटी के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आई हुई है, नर्सरी टीचर की वैकेंसी है, इसके अलावा और भी कई सारे पद यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो सबसे पहला जो पद है वो है टीजीटी हिंदी का, टीजीटी हिंदी फीमेल का ये पद है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है फीमेल के लिए हिंदी में 551 है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मेल के लिए अगर बात करते हैं तो मेल की वैकेंसी जो यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए है वो यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे कि कुल मिलाकर के 556 पद हैं टीजीटी हिंदी मेल के लिए। पदों की संख्या लगभग समान है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। सबसे पहले पॉइंट पर देख सकते हैं दिया गया कि बीए ऑनर्स या फिर बीए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए और साथ में एक एडिशनल लैंग्वेज भी होना चाहिए, ठीक है। एक एडिशनल लैंग्वेज होना चाहिए यानी दो लैंग्वेज आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, लेकिन अगर दो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी, एक लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो कोई एक स्कूल सब्जेक्ट आपके पास डिग्री लेवल में होना चाहिए, ठीक है, यानी स्नातक लेवल में। अब स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो स्कूल सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है स्कूल सब्जेक्ट में। नॉर्मली जो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्कूल सब्जेक्ट में इन्होंने बताया है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, यानी जो स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं पूरी वही सारी लिस्ट है। तो इसको लेकर कोई भी टेंशन नहीं करना, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% की जो कंडीशन है वो लागू होगी। आपको बता दें कि डी ट्रिपल एस बी भर्ती में दिल्ली से बाहर के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको भी अनरिजर्व में काउंट किया जाता है। तो अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो आप इस भर्ती के लिए ओबीसी में काउंट नहीं किए जाएंगे, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बाकी एससी एसटी को उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा इस भर्ती में भी, आप वो किसी भी स्टेट से हों, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, अगर आपके पास ये नहीं है डिग्री जो मैंने बताई तो यहाँ पर बोला कि इसके समकक्ष में कोई दूसरी डिग्री है जिसमें 45% नंबर है तब भी आप पात्र हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदी टीचर्स साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का कोई आपके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको भी पात्र मतलब माना जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 45% की कंडीशन इसमें भी है। नीचे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को 45% की जो कंडीशन है उसे छूट दे दी गई है। तो कौन कौन सी अभ्यर्थी हैं, पहला यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके पास डिग्री है, ठीक है, यानी पीजी जिसके पास है, पीजी वो भी किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर बोला गया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से आपका जो पीजी होना चाहिए, यानी लैंग्वेज से पीजी है तो उसमें आपका 45% कंडीशन लागू नहीं होगी, मतलब उसमें अगर पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो एस सी एस टी के कैंडिडेट उनके लिए भी 45% की कंडीशन अनिवार्य नहीं है, आपका कितना भी परसेंट है आप आवेदन कर सकते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनको भी 45% की कंडीशन से बाहर रखा गया है। तो नंबर एक ये हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन।
दूसरे में बोला गया है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग का होना चाहिए, यानी बीएड वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर में बोला गया नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अब हिंदी नॉलेज कैसे डिसाइड होगा, तो अगर आपने 8 तक हिंदी पढ़ी है, कम से कम 8 तक हाई स्कूल में पढ़ी तो अच्छी बात है, तो आपको हिंदी नॉलेज माना जाएगा कि आपके पास है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो जूनियर का TET परीक्षा होती है, खासकर CET जो CBSE बोर्ड से होता है, वो भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, पहला ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की फाउंडेशन, दूसरा डिग्री डिप्लोमा, तीसरा हिंदी एज एसेंशियल सब्जेक्ट, और चौथा CTET जूनियर लेवल का, ठीक है। अब बहुत से अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं, सर हमने ग्रेजुएशन में जो ये सब्जेक्ट है 2 साल तक पढ़ा तो क्या हमारा मान्य होगा? तो दोस्तों बिल्कुल मान्य होगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया नोट में कि अगर आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ है तो भी आपका वो सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंदी को लेकर, कि यही मेल के लिए फीमेल दोनों के लिए है। वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो 9300 से लेकर के 34800 वेतनमान है, ग्रेड पे 4600 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएटेड रहेगी। एज जो है अधिकतम एज जो है 32 साल यहाँ पर रखी गई है, 32 साल से कम होने चाहिए। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और अन्य के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से हैं उनको भी 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंदी के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही चीज़ है। बढ़ते हैं अगली यहाँ पर वैकेंसी के लिए पूछ के, तो यहाँ पर देखिए नेचुरल साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। नेचुरल साइंस में अगर पदों की संख्या की बात करें तो फीमेल के लिए 1040 पद हैं, सॉरी मेल के लिए 1040 पद है नेचुरल साइंस में। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए पदों की संख्या लगभग 900 कुछ है, सॉरी 824 है, ठीक है फीमेल के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि नेचुरल साइंस में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो बोला गया कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, या तो आप पास हैं या ठीक है, या आपने के पास ऑनर्स अगर है तो भी आपका चलेगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। स्कूल सब्जेक्ट लिस्ट में थोड़ी देर में आपको बताई थी, स्कूल सब्जेक्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट कम से कम अगर ग्रेजुएशन में पढ़े हो, और उन 2 में से कोई एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए, ठीक है, तो आप पात्र हैं नेचुरल साइंस के लिए, बशर्ते 45% कंडीशन है जनरल अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई मेन सब्जेक्ट में, वो देखिएगा कि बोला कि जो TGT नेचुरल साइंस के लिए जो मेन सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, ये मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी, ये 5 हैं जो TGT नेचुरल साइंस के लिए मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, बस अड़ते भले ही आपने उनको 2 साल पढ़ा हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यानी SC ST के हैं, जो PH अभ्यर्थी हैं उनको जो एक कंडीशन है 45% वाली वो नहीं लागू होगी उनके ऊपर, और जो PG किए हुए हैं ठीक है उनके लिए भी ये 45% वाली बाउंडेशन जो है नहीं लागू होगी। यहाँ पर भी वही लिखा है कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, साथ में जूनियर स्तर का CET क्वालिफाई आपका होना चाहिए। वेतनमान सेम है 4600 ग्रेड पे है, 9300 से लेकर के 34800 आपका रहेगा वेतनमान, 32 साल मैक्सिमम एज है। मेल फीमेल इसके लिए नेचुरल साइंस के लिए सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर मैथ्स के लिए डिटेल्स दी गई, तो मैथ्स में भी लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। वैकेंसी की बात करें तो 1167 पद हैं फीमेल के लिए मैथ्स में, ठीक है। और अगर आप मेल की बात करें तो मेल के लिए देख लेते हैं कितने पद हैं यहाँ पर, तो TGT मैथ मेल के लिए 988 पद हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी लगभग वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है कि 45% नंबर कम से कम ग्रेजुएशन में होना चाहिए, BA हो या BSc उसे कोई मतलब नहीं है। और ये आपके मतलब मेन स्कूल सब्जेक्ट में 2 आपके पास होने चाहिए, उनमें से 1 ही जो सब्जेक्ट है ये मैथ वगैरह ये आपके पास होने चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी मैथ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, PG अगर आपने किया हुआ है या SC ST कैंडिडेट है या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 45% कंडीशन नहीं लागू होगी।
सीटेट होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग का होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथ की बात हो गई। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एज वगैरह वही 32 साल है, कुछ अलग नहीं। टीजीटी में सभी के लिए मैक्सिमम एज जो है 32 साल ही रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो अगली पोस्ट है वो है सोशल साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल साइंस, बहुत सारे अभ्यर्थी से होते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। यहाँ पर सोशल साइंस में अगर बात करें तो टोटल पद जो पद हैं मेल के लिए 469 हैं, और अगर फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल के लिए देख लेते हैं, फीमेल के लिए 662 पद हैं आपके सोशल साइंस में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे दी गई है। अब अगर बात कर लेते हैं सोशल साइंस के लिए, तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। ठीक है, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं। इसमें से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर एक नंबर पे ये बोला गया है कि स्कूल लेवल से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब यहाँ पर ये है, ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं, और नेचुरल साइंस का मतलब ये ऊपर दिया गया है, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी वही कंडीशन है, बीएड या कोई डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग का होना चाहिए, सीटेट जूनियर स्तर का पास होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। 45% वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जनरल अभ्यर्थियों के लिए काउंट की जाएगी, पीएच के लिए, एससीएसटी के लिए, और जिन्होंने पीजी किया हुआ उनके लिए 45% की कंडीशन अनिवार्य नहीं है। वेतनमान वगैरह भी सेम है। यहाँ पर बंगाली का पद है तो बंगाली मुझे लगता है कोई होगा नहीं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर नर्सरी के लिए बोला गया, नर्सरी टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। नर्सरी टीचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 74 पद है नर्सरी टीचर के लिए। यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर बोला गया है क्लास 12th आपने पास किया हुआ है कम से कम 45% नंबर से, और आपने डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है जिसमें से आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ, यानी एनटीटी किया हुआ है, या फिर 2 इयर्स का जो बीएड होता है नर्सरी वाला वो किया हुआ है, तो आप नर्सरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बोला गया हिंदी आपने 12वीं लेवल तक पढ़ी हो, इसके लिए कोई भी सीटेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका बात करते हैं वेतन मान की, तो 42 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। एज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम 30 साल इसके लिए एज यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद अगला जो पद है या वो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं प्राइमरी टीचर को लेकर के। तो प्राइमरी टीचर के यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी 434 है। हाँ, तो इसके लिए देख लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है 12वीं पास हैं और आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ तो आप पात्र हैं। बाद में बोला गया 12वीं पास हैं, कोई 2 साल का आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है जो NCTE की नॉर्म्स हैं उसके अनुसार 2002 के अनुसार, तब भी पात्र हैं। तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि 12वीं पास हैं, साथ में अगर आपने BEd कोर्स किया हुआ जो 4 साल का होता है तो भी पात्र हैं आप इस नर्सरी प्राइमरी टीचर के लिए। चौथे पॉइंट में बोला गया कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास हैं, साथ में आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाला किया तो भी पात्र हैं। और पांचवें पॉइंट में बोला गया ग्रेजुएशन किया हुआ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DEd किया हुआ तो भी पात्र हैं। BEd वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं नर्सरी टीचर के लिए, सॉरी प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी टीचर में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है सीटेड प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, साथ में हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश आपने सेकेंडरी लेवल में पढ़ी हो। 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी आपको SC ST OBC PH अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यानी 45% माना जाएगा। अगर वेतनमान की बात करें तो ये भी 4200 की ग्रेड पे की वैकेंसी है, 9300 से लेकर 34800 वेतन में आपसे मिलेगा और 30 साल मैक्सिमम एज है। इसी में एक पद जो है वो और प्राइमरी टीचर का और है, वह है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। यहाँ पर वैकेंसी 120 है लगभग। इसमें भी सेम ही चीज़ मांगी गई, कुछ अलग यहाँ पर नहीं मांगी गई है,
तो इसमें भी आप लोग दे सकते हैं, वही चीज मैंने आपको बताई। बीएड वाले इसमें भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। वेतनमान वही है जो प्राइमरी टीचर का अभी हमने बताया। दोस्तों ये डिटेल्स हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, एज हो गई, और आपका वेतनमान कितना है, वैकेंसी कितनी, सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि इसमें कैसे एग्जाम होगा, कितने एग्जाम होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सारी चीजों पर। तो बने रहिए अगले वीडियो तक के लिए। अगर आप इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, सारी चीजें डिटेल से जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।